पूरी दुनिया ईरानी प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी के मौत से उस वक्त चौंक गई जब ये पता चला कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुए जो 19 मई की रविवार को हुआ। खबरों के अनुसार पहाड़ी इलाका होने की वजह से वहां बहुत ज्यादा धुंध और कोहरा छाया हुआ था, साथ ही विजिबिलिटी भी 5 मीटर से ज्यादा नहीं थी, जिसके चलते यह हादसा हुआ। रईसी के साथ ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान और वहां के दूसरे अधिकारी की भी मौत हो गई। ये लोग अजरबैजान में एक डैम का उद्घाटन करने गए थे। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर हेलीकॉप्टर क्रैश की एक तस्वीर को वायरल करते हुए दावा किया गया है कि ये वही हेलीकॉप्टर है जो खुद क्रैश न होकर किसी साजिश का शिकार हुआ है, मतलब इस हेलीकॉप्टर पर किसी लेजर या फिर किसी हथियार से हमला हुआ है। हमने इस तस्वीर की पड़ताल में पाया कि तस्वीर असली नहीं है बल्कि AI जनरेटेड है। इसके लिए हमने कई इंटरनेशनल रिपोर्ट्स चेक किए लेकिन हमें उसमें ये तस्वीर नहीं मिली। फिर हमें अनामी की वेबसाइट पर वायरल इमेज मिली, हालांकि यहाँ पर हमें इमेज का बैकग्राउंड पूरी तरह खाली दिखा, जिसके बाद हमने AI डिटेक्टर से इमेज को स्कैन किया और पता चला कि वायरल पोस्ट में दिख रहा इमेज AI जनरेटेड है, इसलिए फैक्ट क्रिसेंडो वायरल पोस्ट को फेक प्रूफ करता है।